दलित अधिवक्ता विक्की राज ने लोकसभा अध्यक्ष को अपने खून से पत्र लिखकर लोकसभा सांसद मोहम्मद आजम खां की रिहाई की मांग करी। वहीं जनपद रामपुर में विक्की राज एडवोकेट ने पत्र में कहा कि मोहम्मद आजम खां बेगुनाह और निर्दोष होते हुए भी अपने उन अपराध की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने करे ही नहीं। वहीं मोहम्मद आजम खां लगातार 9 बार से रामपुर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 1 बार सांसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रहे हैं तथा वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं। क्या ये मुमकिन है? इतने सारे संवैधानिक पदों पर रह चुका जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में भी सांसद है, क्या वो भैंस चुराएगा, बकरी चुराएगा, किताबें चुराएगा? ये किसी भी आम इंसान की समझ से बाहर है। वहीं आइए अब सुनते हैं दलित अधिवक्ता विक्की राज क्या कह रहे हैं। मेरा नाम विक्की राज है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का निवासी हूँ तथा दलित समाज से। सब जानते हैं मोहम्मद आजम खान साहब बेगुनाह और निर्दोष होते हुए भी पिछले 15 महीने से सीतापुर की जेल में निरुद्ध हैं और अपने उन अपराधों की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने करे ही नहीं। आजम खान साहब वर्तमान में लोकसभा सांसद होते हुए भी आजम खान साहब के लिए लोकसभा से आवाज ना उठना बहुत ही निंदनीय विषय। आज मैंने अपने खून से एक पत्र आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को आजम खान साहब की रिहाई के लिए भेजा है और उनसे ये मांग करी है कि वे आजम खान साहब के साथ इंसाफ करें, क्योंकि आजम खान साहब लोकसभा सदस्य हैं और माननीय ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं। इस नाते सदन के समस्त सदस्य उनके परिवार का हिस्सा हैं और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि अगर उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ नाइंसाफी होती है तो उसके खिलाफ वे मजबूती के साथ खड़े हों, उनके खिलाफ आवाज उठाएं, उनकी रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनका शोषण के खिलाफ मजबूती से उनका साथ दें। लेकिन कोई भी ऐसा बयान माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा नहीं कहा गया। आजम खान साहब 9 बार के विधायक, 4 बार के मंत्री, 1 बार संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य तथा वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। क्या ऐसा इंसान जो इतने संवैधानिक पदों को संभाल चुका है, क्या मुर्गी चुराएगा, बकरी चुराएगा, किताबें चुराएगा, भैंस चुराएगा? ये किसी भी आम इंसान की समझ से परे है। हमारा संविधान इस बात की हमें इजाजत देता है, हमें अभिव्यक्ति की इजाजत देता है कि हम अपनी बात संवैधानिक दायरे में रखकर ऊपर तक पहुंचाएं। और मैंने यह प्रण लिखा है कि आज से 7 दिन तक लगातार हमारे देश में बैठे हुए सभी संवैधानिक पदों पर नेता हूं, राजनेता हूं, उन सभी को मैं अपने खून से खत लिखकर आजम खान साहब की रिहाई की मांग करूंगा और आजम खान साहब के साथ इंसाफ की गुहार लगाऊंगा। मैं चाहता हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी मेरे पत्र को संज्ञान में लें और आजम खान साहब के साथ इंसाफ करें, क्योंकि राजनीति अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह, उनको राजनीति से ऊपर उठकर आजम खान साहब के साथ इंसाफ करना ही चाहिए और करना ही होगा। मेरी पूरे दलित समाज की तरफ से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि आजम खान साहब के साथ इंसाफ करें।